अगर आपको भी अंडे खाने अच्छे लगते हैं और अंडे के साथ आप तरह तरह का करते रहते हो, प्रयोग करते रहते हो, तो उसके लिए मज़ेदार सी आज की रेसिपी और रेस्टोरेंट वाली रेसिपी जी आज घर पे बनेगी। और ये देखिए जो मज़ेदार वाला अंडा पालक तैयार होगा ना, और इसके लिए मैंने यहाँ 10 अंडे उबाल रखे थे, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और इनमें हल्का सा चीरा लगा देंगे, इससे अंडे फटते नहीं हैं और फ्राई करने में दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा तेल गरम कर रखा था जी, मेरी रेसिपी में तेल मसाले कम होंगे और बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली मज़ेदार वाली तरीके से बन के तैयार होंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने अंडे को फ्राई करने के लिए डाल दिया, और हम यहाँ अंडे को अच्छी तरीके से गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए हल्का हल्का गोल्डन कलर आने लगा है, अच्छी तरीके से हिलाते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा भी गोल्डन कलर नहीं लाएंगे, नहीं तो अंडे च्यूई हो जाते हैं, खाने में मज़ेदार नहीं लगते हैं। और ये हमने यहाँ पे इसको निकाल लिया है। अब हम अपने खड़े मसाले ले लेते हैं, इसमें मैंने जीरा, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और तेज़पत्ता, लाल मिर्च वगैरह ली थी। आप मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और जो मज़ेदार वाला बनता है ना जी, उसके क्या कहने, उसके आगे तो रेस्टोरेंट भी फेल हो जाता है। और मज़ेदार वाली रेसिपी के लिए ये देखिए, इसके लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल ले रखा है। अगर आप मस्टर्ड ऑयल नहीं खाते हो तो जो भी तेल खाते हो उसको यूज़ कर लीजिएगा। और ये देखें यहाँ पे मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं, और इनको हमको हल्का सा चटकाना है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना। अगर खड़े मसालों को बहुत ज़्यादा जला दो तो उनका टेस्ट अलग सा हो जाता है। और ये देखिए अब यहाँ पे हमने बारीक कटी हुई 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज ले रखी थी, और इसको बनाए, इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे। और गैस को हमने मीडियम फ्लेम पर रख रखा है, ना बहुत ज़्यादा हाई है ना बहुत लो है। और यहाँ पर हम अपना मसाला तैयार करेंगे जी। ये मैंने 1 कटोरी दही ले रखी थी, इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी ये डाल करके हम इसको मिला करके रख देंगे। और जो मज़ेदार वाली रेसिपी तैयार होगी ना जी, कम चीज़ों में और बेहतरीन वाली रेसिपी तैयार होगी बिल्कुल। और इसको मिला करके ढक करके हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए, और तब तक हम अपने प्याज पे आते हैं। और ये देखें यहाँ पे मैंने इसको अदरक लहसुन को कूटा हुआ डाला था, अगर आप पेस्ट खाते हो तो आप पेस्ट डाल लीजिएगा। और ये देखिए ये जो हमारा मसाला भी मज़ेदार वाला तैयार हो गया बिल्कुल, दही को अच्छी तरीके से फेंटना है, ये देखिए बिल्कुल क्रीमी वाला था। और यहाँ पर मैंने 2 से 3 टमाटर को डाल रखा है, और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से भूनना है। ये देखिए अच्छी तरीके से भूनेंगे, बढ़िया सा जो ना भूनने के बाद जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। और यहाँ पे ये देखिए ये बिल्कुल भून के तैयार हो गया, तेल भी ऊपर आने लगा है, और हमने जो अपना दही का मसाला तैयार कर रखा था ये डालेंगे। और गैस को यहाँ बिल्कुल स्लो कर देंगे, अगर आपको दही फटने का डर है तो आप गैस को बंद कर दीजिए, और इसको लगातार चलाते हुए मसाले को भूनेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया वाला मज़ेदार सा मसाला तैयार हो रहा है। और यहाँ पर मैंने डाला था चिकन मसाला, और अब बढ़िया वाली रेसिपी देखिए ये मज़ेदार वाला बिल्कुल तैयार होगा। और यहाँ मैंने टेस्ट के हिसाब से नमक डाला था जी, और इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। और ये मैंने इसे पहले से पालक प्यूरी बना रखी थी, ये 1 कप थी, और इसको डालेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए बिल्कुल गाढ़ी बनाई थी, पानी वगैरह निकाल दिया था उबालने के बाद, और इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पर पकाना है, नहीं तो पालक फिर भी पानी छोड़ने लगता है। और ये देखिए ये लगातार चलाते हुए और बढ़िया वाला जो मसाला तैयार होगा ना उसके क्या कहने, ये देखिए रंगत ही बदल गई थी ग्रेवी की। और ये देखिए थोड़ा सा कसूरी मेथी डाली, और बढ़िया वाला देख रहे हो, इसमें आप इस ग्रेवी में कोई भी चीज़ डाल के पका लो मज़ा आ जाता है जी। और सिंपल वाला आलू भी होता उससे भी मज़ा आता। और ये हल्का सा पानी डाला था जिसमें मैंने पालक को ग्राइंड किया हुआ था, और थोड़ा सा और पानी डालेंगे। और इसको हमने प्रेशर कुक नहीं करना है जी, इसको खुले में पकाना है, जितना ही ज़्यादा आप पकाओगे उतना ही बढ़िया वाला टेस्ट आएगा। ये देखिए थोड़ा सा पानी डाला है, और इसमें अब हम अंडे डाल देंगे, क्योंकि जब पालक के साथ अंडे पकेंगे और जो बढ़िया वाला टेस्ट आएगा ना मज़ा आ जाता है जी खाने के बाद, तो एकदम रेस्टोरेंट और 5 स्टार वाली रेसिपी घर पे और सिंपल और इजी तरीके से। इसको मैंने 2-2 मिनट करके पकाया हुआ था, थोड़ा थोड़ा चलाते भी जाएंगे क्योंकि पानी हमारा बहुत कम हमने डाला है, तो अगर चलाएंगे नहीं तो नीचे थोड़ा सा पकड़ने का भी डर रहेगा। और ये देखिए जी क्या तैयार हुआ है मज़ेदार वाला, और अब हम इसको प्लेट करते हैं। देख रहे हो बिल्कुल लग रहा है ना रेस्टोरेंट वाला ढाबा वाला रेसिपी, और बिल्कुल देसी वाला जो अंडा पालक बना है ना उससे तो मुंह में पानी आ जाता है। आप इसको रोटी पराठे नान चावल किसी चीज़ के साथ एंजॉय करो भाई, तो ये मज़ेदार वाली रेसिपी और होम स्टाइल की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट करिए। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों के लिए नई रेसिपी लेके आती रहूँगी।